कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। लो जी लो, अपनी डिम्पी तो पास हो गई। चलो सभी लोग रज के खाओ। भाई अब आप सब अपने मुंह और कान काके की तरफ कीजिए। मेरा यार आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ भाई बोलिए। देवी और सज्जनों, आज हमारी डिम्पी की पहली रसोई है, इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। और मैं इस खुशी को दुगना करना चाहता हूं, इसलिए मैं आज शाम को एक शानदार पार्टी दूंगा। पार्टी? क्या बात है? पर काके ये पार्टी है किस खुशी में? अरे बेबे ये दो खुशी की पार्टी है, एक तो ये कि अपने ध्रुव और डिम्पी की शादी होगी, और दूसरी वजह है मेरा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट? रिटायरमेंट? अरे भाई हम लोग इतना चौंक क्यों ना भाई? अरे 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, बहुत थक गया हूँ मैं बिल्कुल अभी उठक पुटक करते हुए। मैं तो जाकर के ऑफिस में एप्लीकेशन भी दिया हूँ कि भैया कल से नहीं आने वाला मैं तुम्हारे ऑफिस में। और वैसे भी एक ही जिम्मेदारी बची थी मेरे ऊपर, ध्रुव की शादी की, वो मैंने पूरी कर दी। फिर क्या है, अब सारी जिम्मेदारी मेरे बच्चे उठे, ठीक है ना? और वैसे भी अपना धैर्य जो है वो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के हिसाब से बिल्कुल मेरे पे गया है। और अगले महीने पढ़ाई पूरी करके हमारा ध्रुव भी इसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाएगा। हम दोनों बुढ़े बुढ़ियाओं को विवेक काम करने की क्या जरूरत है, आराम करेंगे ना। दक्ष बहुत तकलीफ पहुंची ना तुम्हें। यहां वापस आने के लिए तड़प रहे थे इन लोगों के सामने, जिनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है, जिनके लिए आज भी उनके सिर्फ दो बेटे हैं दक्ष, धैर्य और ध्रुव, दैट्स इट। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही लिपिका। जिनके दिलों को मैंने दुखाया, उनके दिलों में इसे जगह बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, और तुम देखना मुझे बहुत जल्दी माफी मिल जाएगी, और इस घर में रहने की जगह इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो ना तुम, लेकिन वो तो तभी हो पाएगा जब ये परिवार रहेगा। इतने टुकड़े कर दूंगी त्रिपाठी परिवार के, ये सब मिलकर खुद इन टुकड़ों को जोड़ नहीं पाएंगे। और फिर दक्ष तुम सिर्फ मेरे रहोगे, सिर्फ मेरे। आज की पार्टी को बहुत यादगार बनाना चाहते हैं। यादगार तो इनकी पार्टी मैं बनाऊंगी, ऐसी पार्टी दूंगी कि कोई भूल नहीं पाएगा। वादा है लिपिका महाजन का। एंजॉय द पार्टी।